ओपन एआई का चैट जीपीटी को इंडिया में एक साल के लिए फ्री है। गूगल का एआई प्रो सब्सक्रिप्शन जियो के साथ 18 महीने के लिए फ्री हो चुका है ऑलरेडी इंडियन यूजर्स के लिए, और परप्लेक्सिटी प्रो एयरटेल के साथ सभी यूजर्स को एक साल के लिए फ्री मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी एआई टूल्स है वो इंडिया के अंदर सब एकदम से फ्री कैसे हो गए? यानी कि ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो एक जमाने में बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया करती थी और ग्लोबल लेवल पर भी कहीं भी किसी भी कंपनी ने ऐसा फ्री वाली स्कीम नहीं चलाई, लेकिन इंडिया में हर एआई कंपनी अपना फ्री में बंडल करके क्यों ला रही है और कहीं ना कहीं लोगों को दे रही है कि भाई आप फ्री में हमारे एआई का सब्सक्रिप्शन लो, चैट जीपीटी लो, जेमिनी यूज करो, परप्लेक्सिटी यूज करो, बस कैसे भी यूज करना शुरू कर दो। क्या है पीछे की कहानी, क्या है इन कंपनीज के पीछे का मकसद, इस वीडियो में इसी को पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि यार ये जो कंपनी हमें कोई चीज फ्री दे रही है तो क्या वाकई में ये कंपनी हमें फ्री में दे रही है कि हम एक प्रोडक्ट है? क्योंकि इंटरनेट के बारे में बात की जाती है, इंटरनेट पर अगर आप किसी भी चीज के पैसे नहीं दो तो समझ जाओ यू आर द प्रोडक्ट, और ये चीज यहाँ पे शायद बिल्कुल सही हो सकती है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का एक देश है और ये इतना बड़ा देश है कि किसी भी कंपनी को इसका छोटा सा भी पार्ट मिल जाए तो वो बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा यूजर बेस होता है कि कोई भी कंपनी खुश हो जाए भाई उसे इतने करोड़ों यूजर एक साथ देखने को मिल गए। दूसरी चीज, इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है, 22 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग लोगों की टोनैलिटी रहती है, डायलेक्ट्स रहते हैं, लोगों का यूज केसेस अलग है, हर एज ग्रुप के लोग हैं, और इतने बड़े एज ग्रुप के लोग अगर एक साथ हमारी सर्विस एक साथ यूज करने लगे तो हमें डेटा कितना सारा मिल सकता है और इस डेटा पे हम अपने मॉडल्स कितने अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, ये भी तो एक बात है। यानी कि एक बार कंपनीज ने आपका डेटा और आपकी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे गैदर करना शुरू कर दी, उसके बाद वो अपने आप को और ज्यादा बेटर कर देंगे, और ज्यादा एडवांस कर देंगे, और धीरे धीरे शायद आपको अपनी सर्विस की लत भी लगा दे और फिर बाद में अपनी सर्विस के लिए पैसा मिले। इवन एक बात करी जाए तो 2030 तक इंडिया $10 बिलियन का एआई मार्केट बन सकता है, और ये चीज इतनी बड़ी कि कोई भी लोग इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते, और जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे आपको फ्री में इसलिए भी प्रोवाइड कर रहे क्योंकि ये डायरेक्टली एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है जो जियो की स्ट्रेटेजी थी। 2016 में हर किसी के पास एटलीस्ट एक सिम कार्ड तो हुआ करता था, और जियो जब आया था तब लोगों के पास ऑलरेडी फोन थे, सिम कार्ड थे, तो वो आगे बढ़े कैसे? इस वजह से उसने फ्री में सिम कार्ड बांटना शुरू करे और में डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया, जिस वजह से एक बार लोगों ने सिम कार्ड ले लिए क्योंकि फ्री की चीज इंडिया में तो कोई छोड़ता नहीं है, और एक बार लोगों ने डेटा यूज करना शुरू किया, एक बार उसकी लत लग गई तो 6-8 महीनों तक फ्री में यूज करने के बाद जब वो पेड प्लान्स लाया उसके बाद लोगों ने उसके रिचार्जेस कराने शुरू करे, और आज तक ऐसी स्थिति है कि अब जब रिचार्ज प्लान महंगे और होने वाले फिर भी लोग ऐसे कि लोगों को मोबाइल फोन और डेटा की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है कि लोग भले ही एक वक्त की रोटी ना खाए लेकिन मोबाइल में डेटा प्लान उनके बराबर होना चाहिए। सच बता रहा हूं इंडिया में लिटरली ऐसी हालत हो गई है, और यही चीज यहाँ पे बड़ी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पे फॉलो करने में लगी हुई है। यानी कि आप खुद सोचो कि एक बार चैट जीपीटी गो की आदत लग गई, एक बार गूगल के जेमिनी की आदत लग गई, जैसे कि जेमिनी के अंदर VO3 में वीडियो बनाना, नैनो बनाना से इमेज एडिट कर देना, या फिर आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने ले आना, या फिर परप्लेक्सिटी की बात करें आप उसका यूज रिसर्च में कर सकते हो। यानी कि पॉजिटिव यूज केसेस बहुत सारे, लेकिन एक बार उसकी आदत लग गई, लोगों को उसकी लत लग गई और लोगों ने बाहर दूसरी जगह जाना छोड़ दिया तो कंपनी लॉन्ग रन में तो यहाँ पे पैसा बना ही सकती है। उन्हें पता है कि सारे यूजर यहाँ पे इंडिया के अंदर तो खर्च नहीं करने वाले, लेकिन जो थोड़े बहुत बाद में बचेंगे उनसे वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, और एक तरह से यही एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए OpenAI ने चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन लाई। गो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए था, क्योंकि इंडिया के लोग एक महंगा प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही चैट जीपीटी गो को एक साल के लिए फ्री किया गया, कम से कम लोग एक्सपीरियंस तो करें कि चैट जीपीटी है क्या, प्रीमियम में क्या चीजें मिलती है। फ्री वाला वर्जन भी रखेंगे लेकिन एक प्रीमियम वर्जन, एक सस्ता टियर भी निकाल दिया ताकि कुछ लोग तो है जो सस्ते के बाद में सब्सक्रिप्शन है रिकरिंग इसको यूज करना शुरू कर दे, ये भी एक चीज सोची गई। इसके साथ कभी ये सोचा है कि टेलीकॉम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप क्यों की जा रही है, जैसे कि एयरटेल परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और गूगल कर रहा है जियो के साथ, ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि इंडिया के जो लॉज होते हैं टेलीकॉम वाले वो इतने ईजी है कि आसानी से टेलीकॉम कंपनी कोई भी सर्विस ऊपर से बंडल करके लोगों को दे सकती है, जो कि बनाया गया था OTT सर्विसेज के लिए कि यार आप सिम कार्ड तो ले रहे हो लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कोई सर्विस चाहिए, कोई थर्ड पार्टी चीज चाहिए तो वो हम दे देंगे, जैसे एयरटेल अपने एयरटेल टीवी, विंक म्यूजिक देती है, जियो वाले अपना हॉटस्टार देते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, Amazon का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, इस तरीके के सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए चीजों को बनाया गया था, वहां पर AI को लेकर कोई भी क्लॉज रखा नहीं गया था, इस वजह से आसानी से बंडल किया जा सकता है सर्विस को यहाँ पे टेलीकॉम रिचार्जेस के अंदर और लोगों को पुश किया जा सकता है।
ये भी एक चीज यहाँ पे फॉलो की गई, बेसिकली छोटा सा लूप होल रहे पूरे लॉ में जिसका फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। और हाँ, अगर मैं इंडिया के लॉस के बारे में बात कर रहा था तो इन कंपनीज ने और भी लूप होल ढूंढे। यहाँ पे इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है 2023 का, जो पूरी तरीके से अभी इन्फोर्स में आया नहीं है, पूरी तरीके से लागू हुआ नहीं है, उसके अंदर AI का कोई भी क्लॉज नहीं है कि AI को सर्विसेज को लेके इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या रूल्स होंगे, रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्या लोकल डेटा इंडिया के अंदर रहेगा कि बाहर जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून अभी भी डिसाइडेड नहीं है, जिसका ये जो कंपनीज होती है अभी भी फायदा उठा रही है क्योंकि उनको एक लूप होल मिल गया कि यहाँ पे इंडिया लॉज अब ऐसे कि जब तक इन्हें AI वाली बात समझ में आएगी तब तक एक साल निकल चुका होगा, तब तक रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बनेंगे, तब तक हम अपना सारा डेटा पे अपने मॉडल्स को ट्रेन कर चुके होंगे और अपने आप को एक बेटर यहाँ पे बना चुके होंगे, ये भी एक चीज है। इसके साथ ही बात करूं तो जो गूगल जैसी कंपनी है वो इंडिया में विशाखापट्टनम के अंदर अपना AI डेटा सेंटर भी ओपन करने वाली है, जिसके अंदर वो इंडिया के अंदर सर्वर्स लगाएंगे, यहाँ तक कि अपने डेटा को प्रोसेस करेंगे। OpenAI की तरफ से भी रिपोर्ट आई थी कि ये लोग इंडिया में भी अपना डेटा सेंटर लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि OpenAI इंडिया में अपना ऑफिस भी ओपन कर रही है। आप खुद सोच सकते हैं किस लेवल पे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पे काम हो रहा है। और परप्लेक्सिटी देखा जाए तो अरविंद श्रीनिवास, उनका भी कहना है कि इंडिया एक कोर मार्केट है उनके लिए, लेकिन कहने की बात है कि जितनी भी AI बेस्ड कंपनीज है सार के सारी हैं अमेरिका की, और चाइना की जो कोई भी AI कंपनी है उसको डायरेक्टली एंट्री तो नहीं मिल रही, तो अमेरिकन कंपनीज के लिए तो बहुत ही स्ट्रांग वाली बात हो गई। और उनको पता है कि इंडिया के लोगों को यूज कर सकते हैं और वो अगर उनकी सर्विस का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उनका डेटा भी यूज कर सकते हैं, अपने मॉडल को बेटर कर सकते हैं। और OpenAI का तो मतलब यही है कि उनको जल्दी से जल्दी AGI यानी कि जो ह्यूमन लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना वो अचीव करनी है, और AGI अचीव करने के लिए ढेर सारा डेटा लगेगा ट्रेन करने के लिए और उसको समझना पड़ेगा ये कि लोग यहाँ पर क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। तो खैर, चीजें काफी ज्यादा ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, यस इंडिया के अंदर कई सारी चीज अभी फ्री है, कई सारी चीजों के आगे चल के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, और फ्री में यूज करने के लिए आपको मैं मना नहीं कर रहा। अगर आपको वाकई में फ्री में यूज करना है कर सकते हो, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि उस पे टोटली डिपेंड ना हो जाओ। आप AI का यूज करो और अपने फायदे के लिए यूज करो, अपने बिजनेस को, अपनी एजुकेशन को, अपने काम को ज्यादा बेटर बनाओ, उसके अंदर AI का यूज करो। और आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उससे आप ज्यादा पैसा और अपने आप को नॉलेजेबल और अपने आप को ज्यादा रिसोर्सफुल बनाओगे वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के AI के ऊपर टोटली डिपेंड कर जाना कि हमने सारी चीजें सरेंडर कर दी और हम AI पे डिपेंडेंट हो गए तो वो चीज थोड़ा सा गलत हो सकती है, क्योंकि आपको सारी की सारी डिपेंडेंसी कुछ हाथों में नहीं देनी है, आपको रिलाय करना है कई सारी चीजों के ऊपर। यानी कि अगर AI वाली डिपेंडेंसी कल को खत्म भी हो गई तब भी आपकी दूसरी चीजें, यानी कि अगर आपको कहीं से कोई रिसर्च करनी, कोई नॉलेज लेना, तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च या फिर अलग अलग वेबसाइट ब्लॉग्स यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज है जहां से मैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। आपको आलसी नहीं बनना है AI के चक्कर में, आपको रिसोर्सफुल बनना है और उसको टूल की तरीके से यूज करना है। अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो इनडायरेक्टली आप ही का फायदा होगा। तो खैर, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे, बाकी ओवरऑल देखने वाली बात है कि आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा कि इंडिया के अंदर AI के डेटा प्रोटेक्शन के लॉस कब आते हैं, AI वाले लॉस यहाँ पे किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं और AI का जो यूज केस है वो क्या रहता है। बाकी आप लोगों ने अभी तक ChatGPT प्रो, गूगल का Gemini AI प्रो या फिर Perplexity प्रो का फ्री वाला सब्सक्रिप्शन अभी तक यूज किया कि नहीं किया, ये बात नीचे कमेंट बटन ना भूलना। और आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए, कहीं मत जाना। थैंक यू, मैं रहने के लिए मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।